नए संग्राम की शुरुआत हो गई है। आबकारी नीति को लेकर अब मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल पर सवाल उठाया। उनके फैसले के पीछे बीजेपी का दबाव बताया जा रहा है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि जांच में घिरने के बाद आम आदमी पार्टी मुद्दे को भटका रही है। जिस शराब नीति को लेकर दिल्ली में सियासी संग्राम छिड़ा, राजधानी की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन घमासान हुआ, उस शराब नीति को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी एक बार फिर आमने सामने है। और इस बार हमले की शुरुआत हुई आम आदमी पार्टी की ओर से। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल पर करोड़ों के नुकसान का ठीकरा फोड़ा। आबकारी नीति पर एलजी के फैसला बदलने को बीजेपी के दबाव से जोड़ा तो बीजेपी ने फौरन ही सिसोदिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरोपों का जवाब देते हुए केजरीवाल सरकार पर हमला बोल दिया। असली भ्रष्टाचार वहां हुआ जहां ये निर्णय चेंज हुआ, किसके दबाव में हुआ, इसमें भारतीय जनता पार्टी के किस नेता की क्या भूमिका थी, इसमें किन लोगों की भूमिका थी, जिन लोगों को फायदा पहुंच रहा था उनकी क्या भूमिका थी, इसकी सबकी जांच होनी चाहिए। सिसोदिया जी, आपका ये आरोप था कि वो भारतीय जनता पार्टी के कौन लीडर थे जिनके कहने पर एलजी ने इस प्रकार के क्लॉज को हटाया, तो सिसोदिया जी हम आपको बताना चाहेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के कहने पर नहीं, संविधान के कहने पर, कानून के कहने पर, नियम के कहने पर जो काम एलजी ने किया है वो आप सबके सामने है। मनीष सिसोदिया कुछ दुकानों को करोड़ों के फायदा पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं। आबकारी नीति को लेकर छिड़ी लड़ाई के पीछे बीजेपी को जिम्मेदार बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता। उधर बीजेपी केजरीवाल सरकार पर हमला बोल रही है, जांच की आंच आने पर मुद्दे को भटकाने का आरोप लगा रही है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज यह है समझने वाली कि जब एलजी साहब ने यह बिना कैबिनेट से डिस्कस किए, बिना सरकार से डिस्कस किए अपना निर्णय बदला और पहले से मंजूर, अपने से ही मंजूर पॉलिसी को अपने ही लेवल पर बदलने की कोशिश की और जब दुकानें नहीं खुल पाई तो कुछ लोगों की तो दुकानें नहीं खुल पाई लेकिन कुछ की खुल गई, और जिन लोगों की खुली, क्योंकि दिल्ली में तो पहले ऐसे शराब बिक रही थी, जिन लोगों की दुकानें खुली उनको करोड़ों रुपए का फायदा हुआ, हजारों करोड़ रुपए का फायदा हुआ। आज अचानक इतने महीनों के बाद, नवंबर से लेके आप अगस्त में जगे हैं, क्या कारण है? कारण एक ही है, मनीष सिसोदिया जी के पीछे और आम आदमी के पीछे जब सीबीआई, ईडी और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग लगी तो अचानक इनको याद आया कि अच्छा अब ये पूरा मामला डाइवर्ट कैसे किया जाए, बलि का बकरा किसी और को कैसे बनाया जाए, तो एलजी को घसीट कर लेकर आओ। आबकारी नीति को लेकर छिड़ी सियासी जंग के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पूर्व आबकारी आयुक्त आरब गोपी कृष्ण समेत 11 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। एलजी ने आदेश संबंधित अधिकारियों की ओर से आबकारी नीति में बरती गई चूक को लेकर दिया है। जाहिर है कि उपराज्यपाल के सेक्शन के बाद आबकारी नीति पर सियासत और गर्मा गर्मी दिल्ली सरकार और एलजी के बीच छिड़ी जंग को और ज्यादा बढ़ाएगी। दिल्ली से रामकिंकर सिंह के साथ सुशांत मेहरा, आज तक।